सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। दिल्ली विधानसभा चुनाव की हलचल पर शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन प्रवेश शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने दिल्ली में भाजपा को पूर्ण बहुमत से जीत का दावा किया। पेश है उनसे खास बातचीत। चुनाव चल रहे हैं उसमें भाजपा का क्या भविष्य नजर आ रहा है? भाजपा जीतेगी, भाजपा इस बार दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनेगी और 5 साल से जो झूठ का, फरेब का और मुफ्त देने का जो सिलसिला चल रहा है दिल्ली के अंदर वो खत्म होगा। अच्छा, चुनाव में मुद्दा बदल गया, पहले जहां ये विकास की बात हो रही थी अब वहां पे शाहीन बाग या इस तरीके की बातें हो रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? कभी कभी ना आदमी की प्रायोरिटी बदल जाती है लाइफ में। कई बार पार्टियों की ना पार्टियों का एजेंडा चेंज हो जाता है कई बार देश के हालात के ऊपर। अगर आप देखें पहले जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि पूरे 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर कोई नया स्कूल नहीं, कोई नया हॉस्पिटल नहीं, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज नहीं, कोई नया फ्लाईओवर नहीं, एक ईंट भी या एक मिट्टी सीमेंट भी डेवलपमेंट के नाम पर इस सरकार का नहीं लगा। ठीक है, तब हम विकास की बात कर रहे थे, लेकिन पिछले एक महीने के अंदर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक अराजकता का माहौल बना, अनार्की फैली पूरी दिल्ली के अंदर, शाहीन बाग, चांद बाग, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, करदमपुरी, खुरेजी और कई जगह, इस स्थिति में चुनाव विकास की बात एक तरफ हो गई, अब चुनाव रह गया देशद्रोहियों के बीच में और देश प्रेमियों के बीच में, अराजक और अनार्की के लोगों के बीच में और एक स्वच्छ समाज के सोच रखने वाले ऐसे लोगों के बीच के चुनाव है। और चुनाव पहले भी हम जीते और इस विषय के ऊपर तो जो पूरे देश का जो एक तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो एक तरफ है और राष्ट्र को अपनी माँ मानने वाले, भारत माता मानने वाले वो लोग एक तरफ हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा पे कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है। हमारे पास पूरी सीरीज है कैंडिडेट्स की, हमारी पार्टी में उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, केजरीवाल के अलावा एक उनके पास कैंडिडेट है अरविंद केजरीवाल। हमारे पास पूरी सीरीज है, मनोज तिवारी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, विजय गोयल हैं, विजेंद्र गुप्ता हैं और भी हमारे पास कई नेता हैं जो योग्य हैं। दिल्ली में हमारे जितने एमएलए जीत के आएंगे ना, हर एमएलए सीएम के लिए कैंडिडेट है। अच्छा, वो उन्होंने जो आम आदमी पार्टी ने जो मनोज तिवारी जी के जो वीडियो बनाई थी जिसमें मनहानी का भी दावा किया, 500 करोड़ रुपए का, 500 करोड़ का दावा किया है उन्होंने, वीडियो किस चीज़ की है? मनोज तिवारी का मजाक उड़ाते हुए का, चलो उसको छोड़ो। असल में नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मनोज तिवारी जी सुलझा आदमी, मेहनती आदमी, 3 साल के अंदर झुग्गियों के अंदर प्रवास करके हर आदमी से जुड़कर, गरीब आदमी से विकास की बात सोचकर, आप देखिए ना 3 फ्लाईओवर बन रहे हैं, शास्त्री पार्क, धर्मपुरा, सीलमपुर, ये तीनों मनोज तिवारी जी की देन है। भूगड़ताल की तीनों ने हैं, हम भी बैठे थे उस पर एक दिन की, उसका परिणाम यह है कि 3 फ्लाईओवर बन रहे हैं जमुना पार्क के लिए, एक सेंट्रल स्कूल बन रहा है पहली बार हमारी लोकसभा के अंदर, शाहदरा थाने के पास नवीन शाहदरा में सेंट्रल स्कूल बनकर तैयार हो गया है, 2 स्कूल और सेंक्शन हो गए हैं खजूरी में और बुराड़ी के अंदर, राठी मिल के अंदर बहुत बड़ा पार्क बन गया। डेवलपमेंट के नाम पे बहुत काम तिवारी जी कर रहे हैं और उनका मजाक उड़ाना उन्हें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तिवारी जी को, पर इसको सबक सिखाने के लिए दावा किया गया है। अच्छा, लास्ट सवाल कि आपको भाजपा की कितनी सीटें नजर आ रही है? हमारी सरकार बन रही है, हम अगर अभी देखें, अभी जो शुरुआती तौर पर हम देख रहे हैं 40 से 45 सीट हमारी आ रही है अभी। धन्यवाद।